दोस्तों, आज की सुविधाजनक जीवन शैली से हमें कुछ ऐसी बीमारियों ने घेर लिया है जो आम हो गई हैं। इनमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे सबसे बड़ी भूमिका हमारी खान पान की गलत आदतें हैं। इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां और पेन किलर जैसी कुछ दवाओं का अधिक सेवन भी हाई बीपी का कारण बनता है। हाई बीपी के रोगियों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। वे फल व सब्जियां अधिक सेवन करें, भोजन में नमक की मात्रा कम रखें, घर का बना सादा खाना खाएं, जंक फूड और बाहर के खाने से बचें। हाई बीपी से पीड़ित व्यक्ति को चोकर युक्त आटे की रोटी, अंकुरित अनाज, लौकी और टमाटर का जूस, आंवले का मुरब्बा और लहसुन को नियमित रूप से खान पान में शामिल करना चाहिए। आइए, आपको हाई बीपी को नियंत्रित करने का आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताते हैं जो बहुत ही कारगर है। इस घरेलू नुस्खे में हमारे रोजमर्रा के खान पान की सामग्रियां ही शामिल हैं जो बेहद बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली हैं। इनमें नींबू, लहसुन, अदरक, शहद के साथ सेब का सिरका शामिल है। दोस्तों, आपने एक ताज़ा नींबू, लहसुन की चार कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और इनका रस निकाल लेना है। अब इस रस में एक चम्मच सेब का सिरका मिला लेना है। अब शुद्ध ऑर्गेनिक शहद के 2 चम्मच इस मिक्सचर में डालकर इसे अच्छी तरह मिला लें। फिर एक साफ कांच की छोटी शीशी में इस मिक्सचर को भरकर अपने फ्रिज में रख लें। दोस्तों, खाना खाने से पहले रोजाना इस मिक्सचर का आधा चम्मच सेवन करें। ये मिक्सचर आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिलती है।